আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিটিউব ইনফোটেনমেন্টে। সাথে আছে আমি হাসানুর ইসলাম। গত বছর ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফান্ড IMF একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যা ভারতে হইচই ফেলে দেয়। কারণ সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। ভারত তখন এর কারণ হিসেবে বলেছিল করোনা মহামারীর কথা। সে সময় ভারতের প্রবৃদ্ধি -10 চলে গিয়েছিল। কথা হচ্ছে করোনা শুধু ভারতেই ছিল না, বাংলাদেশেও ছিল। কিন্তু মহামারীর সময়েও বাংলাদেশ 4% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সেই সাথে এবছরই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নীত হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। বাংলাদেশ কিভাবে ভারতকে পেছনে ফেলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত উন্নতি করা দেশ হয়ে গেল, সেই রহস্যই খোঁজার চেষ্টা করছে ভারতীয় মিডিয়া। আর সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। साल 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट ने इंडिया में हलचल मचा दी थी। एक्चुअली में रिपोर्ट में था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी साल 2020 में इंडिया की पर कैपिटा को क्रॉस कर जाएगा। हालांकि यह सिर्फ COVID-19 पैंडेमिक की वजह से होगा, क्योंकि इसने इंडिया की पर कैपिटा को -10% घटा दिया है। वहीं पर बांग्लादेश की पर कैपिटा पैंडेमिक रिसेशन के बावजूद भी 4% की रेट से बढ़ेगी। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पिछले एक साल से बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत को पछाड़ते हुए सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। तथा इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश में गरीबी और अशिक्षा की वजह से ना कोई डेवलपमेंट था और ना ही कोई इंडस्ट्री थी। पर आज बांग्लादेश मिडिल इनकम कंट्री बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ क्या वास्तव में बांग्लादेश ग्रो कर रहा है या फिर बस एक बबल है जो कि कुछ समय में बर्स्ट हो जाएगा? वेल, इसके लिए हमें सबसे पहले बांग्लादेश की इकोनॉमी के कुछ स्टैट्स देखने पड़ेंगे। करंट समय में बांग्लादेश की जीडीपी $318 बिलियन के बराबर है, जो कि दुनिया की 35वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से यह दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक दशक से बांग्लादेश की इकोनॉमी 7 से 7.5% एनुअली ग्रो कर रही है, जो कि दुनिया की 7वीं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी के 3 मुख्य सेक्टर्स में एग्रीकल्चर का 14% कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर का 52% कंट्रीब्यूशन तथा इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 34% कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली में बांग्लादेश यानी कि ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट था, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ तथा 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया। आजादी के बाद बांग्लादेश की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि इसकी पूरी जीडीपी वॉर की वजह से क्राइसिस में थी। बहरहाल बांग्लादेश की सरकारों ने सोशलिस्ट पॉलिसीज अपनाई और अपनी सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। इससे इन इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी अर्थ से फर्श पर पहुंच गई। इसके साथ नेचुरल हजार्स व टेक्नोलॉजी के अभाव में इसके फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी और इससे यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी बहुत ही नगण्य था। उस 70 के 80 के दशक में बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट लगभग 300 से 400% के बीच हुआ करती थी तथा यह देश भारत तथा अन्य देशों से मिली आर्थिक सहायता पर चल रहा था। पर 1990 के बाद बांग्लादेश की सरकारों ने गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को डीनेशनलाइज करना शुरू किया तथा मीडिया, जूट, एविएशन तथा शिप बिल्डिंग जैसे बिजनेसेस को प्राइवेटाइज करना शुरू किया। इसके साथ साल 2003 में इसे IMF से $490 मिलियन तथा वर्ल्ड बैंक से $536 मिलियन के इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, जो कि बांग्लादेश की सरकारों को स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था। इससे बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी में मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन किया तथा डेवलपमेंट के ट्रैक पर अपनी इकोनॉमी को ले चल पड़े। इसके साथ भारत भी बांग्लादेश को हर साल 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, जो कि इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी में सुधार ने इसके फार्मर्स की कंडीशन भी बदल दी। करंट समय में बांग्लादेश की 40% पॉपुलेशन कृषि से जीवन यापन करती है तथा यह धान, गन्ना, जूट तथा चाय के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। बांग्लादेश की रिच वाटर सप्लाई तथा बांग्लादेशी सरकारों का किसानों को सपोर्ट ने बांग्लादेश के कृषि को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है। इसके साथ बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इन इंडस्ट्रीज में गारमेंट इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। एक्चुअली में जब चाइना ने अपना ध्यान गारमेंट उद्योग से कम करके अन्य सेक्टर्स पर लगाया,
उस समय बांग्लादेश ने चाइना की गारमेंट इंडस्ट्रीज को अपने देश में अट्रैक्ट कर लिया और इसका नतीजा यह है कि आज बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट प्रोड्यूसर व एक्सपोर्टर है। अकेले गारमेंट ही बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट का 80% है। करंट समय में बांग्लादेश में 5000 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रीज हैं और इनमें 40 लाख से ज्यादा लोग इंप्लॉयड हैं, जिनमें महिलाओं की भूमिका व योगदान काफी ज्यादा है। इसके साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का भी बांग्लादेश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान है। इवन चित्तगांव में दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग फील्ड है, जहां पर शिप्स को तोड़ा जाता है। इंडस्ट्री तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ सर्विस सेक्टर भी बांग्लादेश की इकोनॉमी में ह्यूज इंप्लॉयमेंट व कैपिटल जनरेशन करता है। इंडिया में बढ़ती सर्विस कॉस्ट की वजह से बहुत सारी सर्विस जॉब्स मलेशिया, थाईलैंड व बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं। इसके साथ बांग्लादेश में फॉरेन रेमिटेंस भी ह्यूज अमाउंट में आता है। वेरियस गल्फ कंट्रीज व फॉरेन कंट्रीज में वर्क करने वाले बांग्लादेशी लगभग $20 बिलियन का रेमिटेंस हर साल बांग्लादेश भेजते हैं। इसके साथ बांग्लादेश सरकार के काफी अथक प्रयासों से यहां की आईटी इंडस्ट्री भी चल पड़ी है। अब तक बांग्लादेश ने लगभग $1 बिलियन के आईटी व सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মাত্র 15-20 বছর আগেও যেখানে বাংলাদেশকে গরিব ও ছোট দেশ বলা হতো, সেখানে আজ বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছে বিশ্বের নামিদামি বিভিন্ন কোম্পানি। ভিডিওতে আমরা দেখছিলাম ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি অব্যাহত থাকবে নাকি বেলুনের মতো হারিয়ে যাবে। এই প্রশ্নের একটি বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যাও দিয়েছে ভারতীয় মিডিয়া। বর্তমানে বাংলাদেশ জিডিপিতে বিশ্বে 35তম এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সপ্তম। 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বিদেশি সাহায্যের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল বাংলাদেশ। 1990 সালের পর বড় বড় শিল্পগুলোকে প্রাইভেট করা শুরু করে বাংলাদেশ সরকার আর বদলে যেতে থাকে দেশের অর্থনীতির চেহারা। বর্তমানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের কৃষিখাত। বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে ধান, গম, পাট উৎপাদনের অন্যতম দেশ হিসাবে। বাংলাদেশের অগ্রগতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে পোশাক শিল্প। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাহাজ শিল্প এবং ICT সেক্টরেও অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে আর বিভিন্ন দেশে প্রচার হচ্ছে বাংলাদেশের এই অগ্রগতির কথা। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ একদিন হবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর একটি। সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যাক প্রাণের প্রিয় বাংলাদেশ। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।